हाय फ्रॉम चक्राता। और अभी टाइम हो चुका है 12 o'clock, काफी लेट हो गया क्योंकि रेन हो रही थी, तो सोचा कि थोड़ा वेट करके जाएंगे क्योंकि रास्ते में बारिश कम से कम मिले और अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, अभी खाना तो कुछ खाया नहीं, 12 बज चुके, चाय ली थी और बिस्किट लिए थे, और अभी रस्ते में कुछ ब्रंच वगैरह ट्राई करते हैं, कोई मिलता है तो। वैसे टाइगर फॉल की तरफ जाएंगे जो यहाँ से करीबन 18 किलोमीटर के शो कर रहा है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा लगने वाला है, टाइगर फॉल आपको दिखाने वाले हैं। सो व्हाट्सअप पीपल, कुलदीप दिस साइड, बैक विद अनदर वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइगर फॉल दिखाते हैं आपको, रेडी होते हैं और जल्दी से फटाफट निकलते हैं। चले तो ड्रिजल स्टार्ट हो गए, कल से यही चल रहा है, कल से क्या परसों से चल रहा है, बादल आते हैं, ड्रिजल स्टार्ट हो जाती है और आज तक तो रुकी ही नहीं, मतलब ऐसा रहा। और अभी चले हैं टाइगर फॉल की तरफ, ये थोड़ा सा मेन रोड से नीचे आया था, डी टूर क्या कहेंगे यार, एक पगडंडी सी लग रही है मुझे तो, ये जो भी कहें आप। और अब ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद है काफी स्टीप, वैसे स्लिपरी भी है, स्टीप भी है। जी सर, हेलो, मैं सब्सक्राइबर हूँ, मैं मतलब फेरी, आज मैंने आपका ब्लॉग देखा। अच्छा अच्छा, और अभी आपने मेरे सुबह आप यहाँ खड़े थे, मैं अभी जो ये थे सब्सक्राइबर थे, इनसे बातें की, हाँ मजा आ गया, आनंद आ गया, कहा कि आपके ब्लॉग देखते हैं। और हम सुबह ना मॉर्निंग में मैं यहीं पे अपलोड कर रहा था वीडियो को, यहाँ पे खड़ा था, फिर मैं उधर जाकर खड़ा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क काफी अच्छा आ रहा था मेरा, पर जो थोड़ा आगे जाकर अपलोड कर गया, क्योंकि देखो कितनी मेहनत कर रहे हम, तो हमारी मेहनत को देखते हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये सिमरन मान ही नहीं रहा है, पता नहीं कभी कुछ छोड़ रहा है कभी कुछ छेड़ रहा है, मगर एक बार पानी चला गया ना तो ऑडियो वर्क नहीं करेगी। सो फाइनली सिमरन को कन्विंस किया, डिम्पी बाजी को कन्विंस किया, सो फाइनली सिमरन को कन्विंस किया, डिम्पी बाजी को कन्विंस किया कि भाई 17 किलोमीटर यहाँ चलते हैं टाइगर फॉल तक, काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ की स्पेशल जगह है, जाने के लिए मस्ट है, तो चलते हैं वहाँ पे और थोड़ा बहुत यार टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे। दिल्ली जाके क्या करोगे जल्दी, बट सिमरन को थोड़ा सा काम भी है, बट जो भी है अभी एक इशू तो है हमारे पास, छोटा इशू है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने रिफ्यूल नहीं कराया था, बाकी किसी ने भी नहीं कराया था, बट फ्यूल थोड़ा सा लिमिटेड ही है, हो जाएगा बट थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, कि ऐसे नहीं है कि इधर उधर निकल गए या थोड़ा बहुत फ्यूल बंद कर दिया बेखाम का। यहाँ पे क्या है एकदम क्लाउड के अंदर लगता है और एकदम सडनली से ना रेन स्टार्ट हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। अभी यार एक दिक्कत है मैप लगाने के लिए, बारिश हो रखी है तो यार मैप लगाऊंगा तो भीगने का डर है, ऐसे रोड पता है मैं ये हो जाने वाला, बट फिर भी स्टिल अगर कन्फर्मेशन हो जाना तो थोड़ा सा बढ़िया लगता, क्योंकि फ्यूल का भी चक्कर, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, फ्यूल ख़त्म नहीं होना चाहिए भाई, दिक्कत हो जाती है। बाकी हम ओपन में मिल रहा था, मैं होता रहेगा ओपन में ना लेते हुए, अगर आज तक हमें ऐसा लगेगा ना टाइगर फॉल तक जाएंगे और आएंगे, अगर लगा कि यार अभी दिक्कत हो सकती है तो हम करा लेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम पेट्रोल पंप पे ही फ्यूल डलवाने वाले हैं। टाइगर फॉल से पहले ना एंट्री होती है और ये कुछ चार्जेस है जो लिखे हुए हैं, हमें 30 पर पर्सन देना है, तो हमने 120 रुपीज देना है। यहाँ पर कैंटीन भी बना हुआ है टाइगर फॉल से जस्ट थोड़ा सा पहले, कहूँ या 3-4 किलोमीटर होगा यहाँ से, 3 नहीं तो 2-3 तो होगा एटलीस्ट। मैं पूछता हूँ कितना किलोमीटर होगा टाइगर फॉल, कितना होगा ऐसे? सो 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से बता रहे हो, फिर 200-250 मीटर जाने पैदल, और यहाँ से डायरेक्ट पैदल जाना चाहते हो तो यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से पड़ेगा 1 किलोमीटर। अभी कैंटीन में खाया हमने क्या, ब्रेड ऑमलेट खाया, बन वाली ऑमलेट थी यार, ब्रेड ऑमलेट से कुछ अलग ही खाया, पेप्सी पी, चाय पी, और अभी टाइम हो गया निकलने का, बट उससे पहले ना फ्यूल डलवा रहे हैं डिम्पी बाजी अपनी बाइक में, 5 लीटर का फ्यूल लिया है, जो 95 दिया है, आई थिंक 95 रुपीज का दिया है पर लीटर, और फ्यूल डाल रहे हैं बारिश के अंदर, इसलिए तो मैं बता रहा था कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट डिम्पी बाजी ने थोड़ा सा सोचा रिस्क ना लेते हुए डलवा लेता हूँ, अच्छी बात है। कैमरा मैंने कवर कर दिया था, ऐसा रोड देख के मुझे ऐसा लगा कि कैमरे को ओपन कर लेना चाहिए और वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये ऑफ रोड पैच है, वैसे ना टैंक बैग नहीं होता ना तो मजा डबल हो जाता, एडवेंचर बाइक लेके आए और ऑफ रोड ना करके गए तो यार थोड़ा अधूरा लगता है, टाइगर फॉल ने कमी दूर कर दी है, हट जाए थोड़े से टायर ऑफ रोड होते ना तो मजा डबल हो जाता। ये सो एक्सक्लूसिव फुटेज है, G900 गियर दी है, सो डिसाइड किया क्योंकि ये हट नहीं रहा है, फेयरिंग वगैरह ज़्यादा होती है भूसा की, तो यहाँ से निकलने में दिक्कत रहेगी, पैर स्लिप हो गया ना तो दिक्कत ही दिक्कत, देख रहे हो अब थोड़े से ऑफ रोड टायर की कमी रह गई, नहीं तो मज़ा ना फन अलग ही लेवल का आता। सो फाइनली टाइगर फॉल पहुँच गए हैं, देखे तो कितने ऊपर से आ रहा है, ये मज़ा आ गया, इसके जो प्रेशर देखोगे ना आप, देख रहे हो प्रेशर, अभी ना प्रिपरेशन कर रहे हैं कौन नहाने वाला है, ठंडा पानी मिलने वाला चिल्ड पानी, और 3 दिन से भीग रहे हैं तो पता नहीं नहाना चाहिए नहीं नहाना चाहिए, प्रैक्टिकल है नहीं है जो भी है। अब ये आ गए हैं मेन रोड पे और अब डालते हैं इसको रेन मोड पे, हाँ क्या प्राइम बनी है, अभी रिफिल कराया तो 1600 का फ्यूल आया है। पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद ना मन सही नहीं कर रहा, अजीब सा मन कर रहा, बट थोड़ा सा स्ट्रेट चलाने में बाइक का थोड़ा सा अलग फन होता है। तो काफी देर राइड करने के बाद, बच्चे से बात करने के बाद हम फाइनली रुक गए हैं और खाने के लिए रुके हैं, और हम
पानीपत के आसपास रुके हैं ना, पानीपत के आसपास है ना ये, पानीपत के आसपास रुके हैं। काफी भूख लग रही, टाइम हो चुका है 10 o'clock। घर जाके भी खा सकते थे बट डिसाइड किया कि रुकते हैं खाते हैं, क्योंकि यार घर कौन खाना बनाएगा, कौन रेडी, मतलब बस। सो कल वीडियो बनाने का मन नहीं किया क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया था, 1 बजे पहुँचे हमें। और हमारी जर्नी कैसी रही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियली तो बारिश थी पहाड़ों से जब नीचे उतरे, उसके बाद बारिश बिल्कुल भी नहीं मिली। थोड़ी सी गर्मी लगी जब हम दिल्ली में एंटर कर रहे थे क्योंकि ट्रैफिक जाम था, और उसके बाद तो फिर अंदर एंटर करने के बाद ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला क्योंकि अंदर ट्रैफिक कहाँ मिलेगा रात के 1 बजे। लगभग 1 बज गया था, 1 से ऊपर भी हो गया होगा, पर टाइम मैंने इधर नोटिस नहीं किया। बाइक पे नोट किया था कि 1 के अराउंड से थोड़ा बहुत ऊपर ही होगा। सेफली मैं आ गया बट काफी थक गया था। और मुझे एक प्रॉब्लम आई कि बूट्स में, अगर बूट्स में पानी चला जाता है ना तो पानी वो निकलता नहीं है, और फिर वो सूखने के लिए हमें मौका मिला नहीं, तो मुझे पैरों में थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी। बाकी मैं थोड़ा सा एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने एंट्री कैसे की थी। पहले भी मैंने बताया था कोविड का टेस्ट चाहिए होता है प्लस ई पास चाहिए, तो दोनों चीजें चाहिए होती है, अदरवाइज आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। और आप जैसे एंटर करेंगे तो आपको एक साइड में भेज दिया जाएगा, वहां पे जाके, हम देहरादून की बात करें, मे बी कहीं और आप एंटर कर रहे हो तो मे बी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, बट चीजें यही लगने वाली है आपको उत्तराखंड में। जैसे मैंने बताया कि एंटर करते ही आपको लेफ्ट को भेज दिया था हमें, तो और वहां पे जाके हमें डॉक्यूमेंट्स चेक कराए, उसके बाद हमें एक स्लिप दे दी गई थी, एक छोटी सी स्लिप थी। अब बताऊंगा नहीं उसमें क्या क्या था क्योंकि यार बताने से कुछ कोई मिस यूज ना कर ले इन्फॉर्मेशन को, तो इसलिए आप वहां जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। छोटी सी स्लिप मिलेगी आपको, वो चेक करानी पड़ेगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उसके बाद आप निकल जाइए जहाँ आपको जाना है। बाकी राइड शानदार रही, मज़ा आ गया। 3 दिन भीगे, कुछ डिफरेंट था, ऐसी राइड हमने पहले नहीं की थी, ये फर्स्ट टाइम ऐसी राइड के। ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन हम भीगे नहीं और सूखे हम चला रहे हैं, बस थोड़ा बहुत अगर कहीं पैच आ जाता था, थोड़ा बहुत सूखा आ जाता था, थोड़ा बहुत क्लोथ ड्राई होते थे, तभी फिर ऐसा हो जाता कि बारिश आ गई या ड्रिजल आ गई, उससे फिर दोबारा से गीले हो जाते। बट हमारा जो लास्ट पैच था ना, जो बताया रात वाला, वो ड्राई पैच था जिससे हम सूख गए थे, बट बाकी स्मेल तो सारे कपड़ों में हो गई है। और जैसे मैंने उसे एक बात बताना भूल गया कि घर में एंटर किया तो सब सैनिटाइजर लेके खड़े हो गए थे, बस सैनिटाइज करो आप अलग रहो, बट फिर मैंने कन्विंस किया कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सिम्टम्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली अलग हो जाऊंगा, बट अभी कोई सिम्टम्स कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, राइड मस्त गई है। सो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, और अगर अब तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिलते हैं ऐसी वीडियो में। लिव लाइफ लिव योर ड्रीम, बाय।